हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पास्ता बनाएंगे, साथ में चटनी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले पास्ता को उबलने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हमने एक कप पानी को उबलने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक चौथाई चम्मच कुकिंग ऑयल मिक्स करेंगे ताकि पास्ता एक दूसरे से चिपके नहीं। एक चौथाई चम्मच नमक भी मिक्स कर लेंगे। पास्ता फीकी होती है तो नमक मिक्स करने से उसके अंदर नमक का टेस्ट चला जाएगा। एक कप पास्ता लिया है, ये पैकेट वाला है, आप चाहे तो खुले भी यूज कर सकते हैं। इसे इसी में मिक्स कर देंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे और तेज आंच पे इसमें एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, तेज आंच पे एक उबाल आ गया है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 10 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक चटनी बना लेते हैं। इसके लिए 3 से 4 लाल मिर्च को उबाल के सॉफ्ट कर लिया है, 6 से 7 लहसुन के कलियां को बारीक काट लिया है, 4 टमाटर लिया है। ये टमाटर सलाद वाले हैं, देसी टमाटर, और इसमें बीज नहीं होते हैं, इस तरीके के होते हैं, और इससे चटनी हमारी अच्छी बनेगी, खट्टी नहीं बनेगी। तो टमाटर को हमने रफली काट लिया है। अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया है, इसमें उबले हुए लाल मिर्च को भी मिक्स कर लेंगे और लहसुन भी डाल देंगे। तो लहसुन 6 से 7 कलियां भी आप यूज कर सकते हैं, हमारे पास कटी हुई थी तो मैंने वो डाल दिया। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे अच्छा कलर आएगा। टेस्ट के अनुसार नमक भी मिक्स कर देंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने चटनी बना के तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमारा पास्ता पक गया है, मैंने इसे 90% पकाया है और इसे दबा के देख लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से टूट रहा है। अब इसे एक छन्नी में छान लेंगे और थोड़ा सा कच्चा पानी से भी धो लेंगे ताकि एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसका कोई काम नहीं है पानी का। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला 1 चम्मच। गर्म होने के बाद हरा प्याज और प्याज डाल दिया है, दोनों मिला के हमने 1 कप लिया है मोटे पीस में काट के। शिमला मिर्च को भी मोटे पीस में काटा है, 1 कप शिमला मिर्च लिया है। इन सबको कुछ सेकंड के लिए तेज आंच पे भून लेंगे। कोई भी चाइनीज सामान हम चाट बनाते हैं तो तेज आंच पे ही सब्जी को भूनते हैं। चौथाई चम्मच नमक मिक्स कर देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। तो कुछ सेकंड के लिए ही हमने प्याज और शिमला मिर्च को पकाया है। अब इसमें उबले हुए पास्ता को मिक्स कर लेंगे और एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि प्याज नीचे से चिपके ना। अब पीसे हुए चटनी मिक्स कर लेंगे। तो चटनी भी यहाँ पे हमने 1 कप मिक्स किया है, 2 पैकेट पास्ता यूज किया था। तो इसी तरीके के पास्ता मसाला आपके पास्ता के अंदर ही मिल जाएगा, वो जरूर डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो मैगी मसाला भी यूज कर सकते हैं। अब साथ में 2 बड़े चम्मच मेयोनीज डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पास्ता को आप ऐसे भी मेयोनीज मिला के खा सकते हैं। बस इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे इस प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप गर्मा गर्म खाएं, ऊपर से मेयोनीज मिला के खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।